गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बस हमने कल ही स्टार्ट किया है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एमएससी में चलता है पेपर आपके इंटीग्रल इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्म, तो हम पहले ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कल हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और हमने किया था सॉल्व एक एग्जांपल। क्या एग्जांपल था? हमने फाइंड आउट करा था एक्स की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या था फॉर्मूला, रिमाइंड कीजिए, क्या था आपका एल एक्स एन पी इज इक्वल्स टू, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों ने पढ़ा है तो फिर आगे का वीडियोस देखिएगा। देखो इसका फॉर्मूला था, हमने आपको बताया था फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ठीक है, यही फॉर्मूला था। यहाँ पर कंडीशन क्या थी? कंडीशन जरूर याद रखनी है, जो आपका ये पी है ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन थी, जो ये एन है ये बिलोंग करेगा या तो नेचुरल नंबर में या फिर हो सकता है ज़ीरो। यदि मैंने बताया था एन नेचुरल नंबर में नहीं है तो क्या फॉर्मूला था? तो हमारा फॉर्मूला था गामा फंक्शन एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ठीक है, क्योंकि जो आपका फैक्टोरियल है वो माइनस वालों के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं डिफाइन होता, तो इसीलिए गामा फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और फैक्टोरियल एन को आप लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी, यहाँ का जो ये एन है ये आपका बिलोंग कर रहा है सी में, ये सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन है जो रियल पार्ट होगा पी का, ठीक है, रियल पार्ट जो होगा पी का वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और रियल पार्ट ऑफ एन प्लस वन वो भी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसा नहीं है लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है, उसके एग्जिस्टेंस की कंडीशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर। तो देखो एग्जिस्टेंस कंडीशन क्या है इसकी, तो उससे पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है या पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो डेफिनेशन बताती हूँ तब इसकी कंडीशन बताऊँगी। देखो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ऐसा आप सोचिए कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करता है, क्या कंडीशन होती है उसकी। छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, दो दो नंबर के जो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो पता होना चाहिए। हम इसकी स्टेटमेंट ही लिखवा रहे हैं आपको, प्रूफ नहीं करा रहे हैं, प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कवर अप करा रही हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा अच्छे से। तो देखो पहले पता होना चाहिए आपको सेक्शनली पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई इंटरवल है ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ये हमने कहा सब इंटरवल में डिवाइड हो सकता है। सब इंटरवल यानी ये एक इंटरवल है, इसके और इंटरवल बना दो, इसको डिवाइड कर दो, वो कहलाते हैं सब इंटरवल। तो आप लोगों ने माना, ऐसा करिए ए और बी है, ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट मान लीजिए, ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू मान लेते हैं बी इज इक्वल्स टू वाई नॉट, क्लियर। तो आप लोगों ने कैसे डिवाइड करा है, क्लोज इंटरवल है ये, ठीक है, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, फिर आपने इंटरवल लिया एक्स वन कॉमा कोई एक्स टू होगा, ठीक है, फिर आपने कोई इंटरवल लिया, इस तरह से चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा बी तक। तो लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक्स एन ले लेते हैं और बी पर फिनिश हो जाएगा, तो बी इज इक्वल्स टू आपका वाई नॉट। तो आपने इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एक इंटरवल ये रहा, दूसरा ये रहा और ये रहा, ठीक है, इस तरह से चलता जा रहा है। तो अगर आपका जो कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, वो इन सभी इंटरवल में अगर कंटिन्यूस है तो हम उसे कह देते हैं क्या, सॉरी एक कंडीशन और है, अगर इन सभी इंटरवल में आपका ये जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है और उसके साथ
इन इंटरवल का जो एंड पॉइंट है, जैसे इस वाले इंटरवल का क्या है एंड पॉइंट एक्स वन, इसका क्या है एक्स टू, इसका क्या है वाई नॉट, इन पॉइंट्स पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह देते हैं ये जो एफ एक्स है ना, ये आपका पीस वाइज या फिर स्लैश सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। समझ आया? देखो डेफिनेशन प्रॉपर, सेक्शनली पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन माना है जो डिफाइंड है ए कोमा बी में। हम सपोज करके चल रहे हैं इंटरवल ए कोमा बी, आप डिवाइड कर सकते हैं इसे सब डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। आप इसको फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर? आगे चलिए। इस तरह से कि एफ एक्स हर एक इंटरवल में आपका कंटिन्यूस हो और जो एंड पॉइंट है आपके इंटरवल के उन पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट होती है तो हम कह देते हैं एफ एक्स को सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन या फिर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। समझ आया? चलें आगे। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उस पर बेस हम क्वेश्चन भी देखेंगे और आपकी जो ये कंडीशन है एग्जिस्टेंस कंडीशन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक आता है नाम, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, एक टर्म आएगी कंडीशन में, इसलिए पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या डेफिनेशन होती है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। क्लियर? कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। कोई भी हमने नंबर ले लिया है गामा, ठीक है, गामा के लिए कंडीशन है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो कोई भी आपके पास फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का कहलाएगा। कब? यदि यहाँ पर एक्स इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा हो, यदि इफ लिमिट आप निकालें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस गामा एक्स और एफ एक्स मल्टीप्लाई में है, यदि आप इसकी लिमिट निकालते हैं ये एक फाइनाइट नंबर आ जाता है। ये लिमिट है जो आपकी एक फाइनाइट नंबर आ जाती है स्टूडेंट्स, तो आप लोग कह देते हैं कि ये जो फंक्शन लिया ना आपने एफ एक्स, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है गामा। क्लियर? समझ आया? इसको लिखने का एक और तरीका है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, बस इस डेफिनेशन को आप एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे? यदि आप कोई एक नंबर ले ले एक्स नॉट फॉर अ गिवन नंबर एक्स नॉट, यहाँ पर कोई एग्जिस्ट कर जाए एक कांस्टेंट एम, तो फॉर अ गिवन नंबर एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रियल नंबर होगा, लिख लीजिए चाहे अ रियल कांस्टेंट। ठीक है, एम कोई हो ग्रेटर देन जीरो, इस तरह से एग्जिस्ट करे कि सच डेट मोड ऑफ ई की पावर माइनस गामा एक्स एफ एक्स लेस देन हो आपके एम से, जहाँ पर जो ये एक्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स नॉट होगा। ये जो एक्स है आपका ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स नॉट होगा। समझ आया? ये वाली डेफिनेशन भी है, ये भी है, ज़्यादातर हम इसे यूज़ करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर माइनस गामा एक्स बाहर आ जाएगा मोड से, मोड में क्या बचेगा मोड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बाहर आएगा आपका e की पावर माइनस गामा एक्स, यदि हम इसे अपॉन में ले जाते हैं तो ये हो जाएगी पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव गामा एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेस देन चल रहा है आपका m, यहाँ से क्या आ गया e की पावर गामा एक्स को इधर भेज दो तो मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन m e की पावर गामा एक्स, जहाँ पर फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x नॉट है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में ये काम आती है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंडीशन बहुत यूज आती है, हमेशा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर। ठीक है, समझ आया?
देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। देखो एग्जांपल लिया हमने एक्स स्क्वायर का, हमने मान लिया कोई एफ एक्स दिया है आपको एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 है। कितना है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इसका? 3 है, यानी कि गामा की वैल्यू हमें यहाँ प्रूफ करनी है 3 होगी। ठीक है, तो कैसे क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कैसे निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट आ जाए, तो हम कह देंगे जो इसका ऑर्डर है क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर गामा की जगह हम 3 यूज़ करेंगे अभी। क्लियर, तो निकालिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस गामा की जगह 3 लिखना है x और fx, तो fx आपको दिया है एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, सिंपल सा है, e की पावर माइनस 3x है, इसको नीचे ले जाओ ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आ जाएगा e की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3x। कैसे करेंगे इसका, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर लिया है ना तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, वहीं तो हमारा स्टार्ट हुआ था वाला पेपर, मैंने आपको बताया था x की पावर n अपॉन e की पावर px का लिमिट निकालना, यही था आपके पास, वहाँ हमने पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर px, हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करी थी, क्या आई थी, 0। यदि आप लोगों ने देखना है स्टूडेंट्स इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करी थी, तो प्लीज़ देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लोगों के पास, चाहे तो आई बटन से देख लीजिए, आई बटन में भी है। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास n की वैल्यू आज 2 दी है और p की वैल्यू क्या है, p है आपके पास 3। कैसे निकाली थी इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, उसकी लिमिट तो आप लोगों को स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो प्रीवियस चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, नई चीज़ें सीखेंगे ना हम, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। देखो कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको क्या तरीका बताया था, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर यदि हम इनफाइनाइट रखते हैं तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट आएगी और e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट ही होता है। हाँ, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जब बनता है, तो मैंने बताया था लिमिट फाइंड आउट करने के लिए ऊपर जो टर्म है ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करो ऊपर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन में e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x और 3x है तो इसका क्या हो जाएगा 3, तो ये आ गया 3। दोबारा हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो ऐसा करो एक बार और कर दो, क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक बार और ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे 2x का हो जाएगा 2 अपॉन e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x और जो आपका 3x है इसका हो जाएगा 3, तो यहाँ पहले से भी 3 है तो ये हो जाएगा 9। अब लिमिट रख दो, ऊपर कुछ नहीं है कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 9, ये तो कांस्टेंट हो गया, लिमिट अप्लाई करी इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, और मैंने बताया था 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0 के इक्वल, हम यही यूज़ करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, ये आ गया 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी पता है आप लोगों को 0 क्यों मान लेते हैं, देखो 1 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी जिसे हमें पता ही नहीं, तो एक में तो बहुत बड़ी टर्म का आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.00000, पता नहीं कहाँ तक 0 आएगा, क्योंकि 1 में आप लोग बहुत बड़ी टर्म का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1 में इसका डिवाइड करो क्या आएगा 0.0000, कर लीजिएगा कहाँ तक आएगा, तो ये तो इनफाइनाइट है, इससे भी बहुत बड़ी टर्म है, तो यहाँ पर 0.0000 कहाँ तक आएगा पता ही नहीं हम लोगों को, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको क्या मान लेते हैं, अप्रोक्स हम मान लेते हैं 0 ही इसको,
ये इतने सारे पॉइंट के बाद जीरो जीरो आते हैं तो अप्रोक्स हम इसको जीरो ही मान लेते हैं, इसलिए वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो ही किया जाता है। क्लियर? तो लिमिट समझ आई कैसे निकाली? जीरो। इसी तरह से इसकी आती है, इसको एन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ना ऊपर और नीचे, तब आप लोगों के पास आ जाएगी इसकी भी लिमिट जीरो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसकी लिमिट क्या आ चुकी है? लिमिट आ चुकी है जीरो। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि फाइनाइट नंबर आए, तो जीरो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है कि इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 ही है। क्लियर, समझ आया? तो यानी कि हम सेकंड डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? अब इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक रियल कॉन्स्टेंट एम ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर जाता है। किस तरह से बताइए, किस तरह से एग्जिस्ट कर गया? यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला था आप लोगों के पास? मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन एम ई की पावर गामा एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन एम की वैल्यू 1 ले रहे हैं, और एम की वैल्यू 1 ले रहे हैं यहाँ पर, ई की पावर क्या आ जाएगी? 3x। क्लियर? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को आप सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, एक स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन ई की पावर 3x। ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट था, एक्स नॉट की वैल्यू ले लीजिए 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन ई की पावर 3x है, तो एक्स हमने क्या लेना होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ आया? देखो, एक्स क्यूब तो हमें पता लग गया यहाँ पर, सॉरी एक्स स्क्वायर हमें पता लग गया 3 एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। यदि मैं आपसे पूछूँ ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, तो कैसे बताएंगे? तो निकाल के देख लेते हैं, फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था आपके पास? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस गामा एक्स लिख लीजिए, और एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है? ई की पावर एक्स क्यूब। फाइंड आउट कीजिए लिमिट क्या आएगा आप लोगों के पास यहाँ पर। देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये माइनस है, नीचे भेज दो, एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर गामा एक्स। ठीक है, लिमिट फाइंड आउट कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ आया ना आप लोगों को एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लिया है? देखो, ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर ई की पावर 3x इस पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों के पास तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्लियर? देखो, अब लिमिट फाइंड आउट कीजो करो यहाँ की, तो बताइए कैसे करेंगे? बताओ, बताइए स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ बताइए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी लिमिट। सॉरी, ई की पावर एक्स क्यूब है, सॉरी स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स क्यूब है। बताइए, इसको आप डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो क्या आएगा? ई की पावर एक्स क्यूब, ऊपर जो टर्म है उसका हो जाएगा फिर। क्लियर? तो आप लोग इसको कितनी बार ही डिफरेंशिएट कर लो, एक्स हमेशा आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो यानी कि कभी ई की पावर एक्स हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स वाली टर्म हटा दो, यानी कि एक्स वाला जो भी आपके पास टर्म है, जैसे कि यहाँ ई की पावर एक्स है, हमेशा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग कभी भी कर लीजिए, एक्स ऊपर हमेशा रहेगा, इसी तरह से नीचे हमेशा रहेगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही बन रहा है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, हमारी डेफिनेशन थी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब ई की पावर एक्स क्यूब है जो आपका, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं है, यानी कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। तो आप लोग लिख सकते हैं, सो द फंक्शन ई की पावर एक्स क्यूब इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। क्लियर, समझ आया? देखो, दोनों डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, अब देखते हैं कि एग्जिस्टेंस कंडीशन जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो देखो, ध्यान से देखिएगा, हमने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स, ठीक है, डेफिनेशन कंडीशन जो भी है मैं लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना। इफ
एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है सेक्शनली, लिख दीजिए इज सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन इन एवरी फाइनाइट इंटरवल जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा एज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही आपकी डेफिनेशन थी, यही हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की, ठीक है। देन जो आपका एल एफ एक्स पी है यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एग्जिस्ट करेगा। क्या समझ आया? यदि आपका फंक्शन सेक्शनली कंटिन्यूस है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल जो कि जहाँ पर एक्स कहाँ जा रहा है आपका जीरो से एक्स नॉट के बीच में, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है गामा इस एफ एक्स का, ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? छोटे क्वेश्चन में आ सकती है डेफिनेशन, तो याद रखिएगा। समझ आई क्या कंडीशन है? अगर मैं आपको वो दोनों टर्म नहीं बताती तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ नहीं आती। स्टूडेंट्स ये कंडीशन कुछ समझ नहीं आने वाली थी इसीलिए मैंने ये दोनों पहले चीज़ बताई है आपको। क्लियर? चले आगे। देखो अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूलाज बता रही हूँ, उन्हें याद रखिएगा। आप लोगों ने कल प्रूफ पढ़ा था इनका, मैंने बताया था एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपके पास। इन्हीं से हम स्टूडेंट्स दो फॉर्मूले और क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपसे पूछ लेता है कि एल एक्स का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, तो एक तरीका तो आपके पास है फॉर्मूले से निकाल दो। क्या फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का? फॉर्मूला था स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, मैंने बताया था एल एफ एक्स पी निकालने का, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस गामा एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स एक्स दिया है तो एफ एक्स की जगह एक्स रख के इंटीग्रेशन करके निकाल दो आप, क्या होगा यहाँ पर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है यदि आप लोगों को ये फार्मूला पता है तो यहाँ से एक्स की पावर एन का पता है फार्मूला, यहाँ पर x की पावर 1 ही तो दी है तो क्या दिक्कत है? फॉर्मूले में यहाँ आपको n बराबर 1 ही तो पुट करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास एल एक्स पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा गामा 1, n की जगह 1 पुट करा है, अपॉन p की पावर 1 प्लस 1 हो गई 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, सो 1 अपॉन पी स्क्वायर। बहुत से फॉर्म क्वेश्चंस में आगे हम यूज़ करेंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज़ आती है ये। एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/p2। यदि यहाँ पर आपसे पूछ ले एल वन का बताओ मुझे, तो एफ एक्स की जगह सिर्फ 1 दे दिया, 1 का बताओ मुझे, तो क्या दिक्कत है? यदि ये फार्मूला नहीं पता जब तो दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत टिपिकल हो जाएगा निकालना, हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए यदि ये फार्मूला भी ना पता हो ना ये पता हो तो कैसे निकालोगे। अगर ये फार्मूला पता भी है जब तो निकल जाएगा इजीली, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव पेपर है स्टूडेंट्स, कंपटीशन की बात करें, देखो सब्जेक्टिव में तो इसी फार्मूले से निकालना, क्लियर, और यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एल वन पी डायरेक्ट याद होना चाहिए या फिर निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी इस फार्मूले से। मुझे एक बात बताओ, एक्स की पावर 0 को 1 ही नहीं कहते हैं क्या? बताया था ना कल भी, तो यहाँ पर 1 की जगह x की पावर 0 दिया है, क्या दिक्कत है? n की जगह 0 दे दिया हमें, क्या दिक्कत है? n की जगह 0 पुट कर दो, आपसे यही तो पूछ रहा है कि l x नॉट का बता दो मुझे, क्या दिक्कत है? n की जगह 0 लिख दो, 0 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 0 प्लस 1 1 ही आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हम सभी को पता है 1 होती है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/p। क्लियर? कंडीशन और याद रखनी है, यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी p ग्रेटर देन 0, कंडीशन जरूर लिखनी है, कंडीशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, फिर मत कहना हमने तो कंप्लीट करा था जब भी नंबर नहीं आए। तीन फॉर्मूले हो चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, याद रखने हैं तीनों फॉर्मूलाज। क्लियर? चलें आगे। आगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर आपके पास ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखो हम निकालना सीखेंगे ई की पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यदि ए की जगह ई की पावर आयोटा ए दे दे तो, यदि ए की जगह आयोटा ए दे दे तो क्या करेंगे,
इसका हम सीखेंगे। इसका हम चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो अभी फॉर्मूला यूज़ किया था मैंने, बताया था अभी आपको, ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे कल, ठीक है। यदि आपके पास इसका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पता है, आप लोग हाइपोबोलिक का भी बता सकते हैं, या साइन ए एक्स का तो बता ही सकते हैं, साइन हाइपरबॉलिक ए एक्स का भी बता सकते हैं, और कॉस ए एक्स का बता सकते हैं, कॉस हाइपरबॉलिक ए एक्स का बता सकते हैं। तो ये सब हम कल करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, डायरेक्ट याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के आते हैं ना एग्ज़ाम में, उनमें ये यूज़ आते हैं, तो पहले हम इन्हें सीखेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें कवर अप करेंगे स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।